चार नियोग अपना प्रकरण चल रहा है, उसमें अपने प्रथमा नियोग में किन चीजों का कथन होता है, उसका क्या प्रयोजन होता है, उसकी अपने चर्चा की। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, पेज नंबर 289 मिला पांचवा पैराग्राफ। सरागी जीवों का मन केवल वैरागी कथन में नहीं लगता, इसलिए जिस प्रकार बालक को बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। क्या है, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, प्योर वैराग्य की चर्चा समझ में जाता है, तो उनको राग में वैराग्य मिला के दिया जाता है। जैसे बताशे में दवाई मिला के दी जाती है, अकेली कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती बच्चे को, दवाई हितकारी है उसके लिए, उसको पसंद नहीं आती, और बताशा जो है वो कोई हितकारी नहीं है, बताशा मीठा जो देना है मीठा को नुकसान करता है उसको, परंतु फिर भी मीठे के साथ दवाई रख के दे दी जाती, क्यों, क्योंकि दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा मीठा दे भी देंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा इतना जितना की दवाई फ़ायदा करेगी। इसलिए सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य का कथन में लगता नहीं है, तो उनको कथाओं के माध्यम से धर्म में रुचि कराते हैं, और फिर कथा के माध्यम से धर्म में रुचि कराएंगे तो कथाओं में थोड़ा सराग का भी कथन कर देंगे, मतलब श्रृंगार का भी, नगरी की सुंदरता का, युद्ध का, इन सब का। प्रश्न तो वहाँ से आया था, प्रथमा नियोग में इन सब बातों का वर्णन नहीं होना चाहिए, ये क्या है, आपने युद्ध की कथा वर्णन कर दी, स्त्री के सौंदर्य के अंदर चार चार पढ़ने लगा दिए। तो उन्होंने कहा देखो हम नहीं करेंगे ना तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, और ये पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इनको धर्म के अंदर रुचि कैसे कराएं, क्योंकि ये दूसरी तो यूँ भी नहीं पढ़ेंगे, ये दूसरी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें उनका मन नहीं लगता, ये इनको रुचिवंत लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा राग का वर्णन है, तो राग के कारण से पढ़ेंगे और उसमें हम अपनी डोज इनको धीरे से फैला देंगे। क्या ये इसका ये मतलब इसमें जो है वो सब उन मतलब उनका कथन क्यों किया है, उनका वो सबका हेतु दिया कि ये इन सब बातों का कथन यहाँ पर क्यों आवश्यक था, क्योंकि यदि ये आवश्यक नहीं होता तो हम क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जहाँ तहाँ धर्म का ही पोषण है, मैंने वो श्रृंगार के लिए श्रृंगार का पोषण नहीं है, वो श्रृंगार का ही पोषण करेंगे, मतलब श्रृंगार का ही वर्णन करेंगे तो वो श्रृंगार का वर्णन करके उसको धर्म पे ले जाके ले जाएंगे, मतलब धर्म पे ले जाके उसका एंड करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी के भोगों का वर्णन करेंगे तो भोग का वर्णन इसलिए किया जाएगा कि वो अंत में उन सब भोग सामग्री को छोड़कर और उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की, तो महत्ता तो मुनि दीक्षा की बताइए ना। जैसे हम किसी एक पहलवान की बहुत तारीफ करें आधे घंटे तक, लेकिन आखिरी में ये बोले 5 मिनट के अंदर कि साहब हमारे पहलवान ने इस पहलवान को पछाड़ दिया, तो बताओ तारीफ किसकी हुई, उस पहलवान की कि अपने पहलवान की। हमारे पहलवान ने उस पहलवान को 1 मिनट पछाड़ दिया, 5 मिनट हमने एक ही सेंटेंस बोला और आधे घंटे तक सामने वाले पहलवान की बहुत तारीफ करते रहे, लेकिन ये एक सेंटेंस जो है वो सब किसके लिए गया, वो उस एक सेंटेंस से तारीफ किसकी हुई, असल में अपने पहलवान की तारीफ हो गई सब, ऐसे पहलवान को हमारे पहलवान ने 5 मिनट में पछाड़ दिया, तो इसका मतलब हमारा पहलवान कितना महान होगा, तो ऐसे इतनी भोग सामग्री को वो क्षण भर में छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब उस भोग सामग्री से भी महान कोई चीज होगी कि जिसके लिए वो ये सब चीजें भी छोड़ के चले गए। विचार तो आएगा ना, इतना सब भोगो, ये थे ये थे ये थे, तो अब तुम अपने भोगों का वर्णन विचार कर लो, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और उनके पास क्या नहीं था जो तुम कल्पना करते हो, जिन जिन चीज़ों की, जिनके लिए हम रात दिन दौड़ते रहते हैं, परेशान होते हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए हमारा सपना होता है, लोग होता है ना, मेरा एक घर बन जाए,
मेरे क्योंकि स्त्री में गहरे बन जाए, आदमियों में मेरी नौकरी बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, इससे ज़्यादा और सपने तो होते नहीं आदमियों में। तो अब वो जो तुम्हारे जो छोटे छोटे सपने हैं ज़िंदगी के, ऐसे तो उनके कब से पूरे हो गए थे। मैंने ये तो उनके तुम एक गाड़ी के लिए रात दिन एक कर रहे हो, उसकी किस्त भर भर के परेशान हो रहे हो, और उनके ऐसे 96 करोड़ तो उनके घोड़े ही थे, 84 लाख घोड़े, 18 करोड़ 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े। एक हाथी पालने में पसीना आ जाए आज की तारीख में, पाल लो एक हाथी, कहाँ लगाओ, खड़ा कहाँ करोगे उसे, पार्किंग की जगह तो नहीं मिलेगी उसकी हाथी की। हाथी कहाँ पार्क करोगे, गाड़ी तो भी हो जाती है चुपचाप, हाथी तो पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी हाथी की, क्योंकि वो खड़ा अकेला ही थोड़ी रहेगा, वहाँ कोई निकल नहीं सकेगा बेचारा आस पास। सब्जी भाजी वाला आ निकलेगा, सब्जी खा जाएगा उसका। तो ऐसे एक हाथी नहीं रख सकते, और ऐसे ऐसे 84 लाख हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े, करोड़ों प्यादे, 18 करोड़ हल, 18 करोड़ गायें, 9 निधि, 14 रत्न, 32,000 बड़े बड़े देश, करोड़ों सोने की रत्नों की खदानें, अनेक द्वीप, अनेक पहाड़, क्या 96,000 रानी। अब बोलो, सोच लो तुम जरा, तुम क्या, तुम्हारे पास क्या है उसके सामने। तीन सौ साठ खाने बनाने वालों की टीमें, एक दिन का खाना बनाने के लिए एक टीम, पूरे साल भर मेहनत करती हूँ, काम देनु श्री की गाय, चेतन अचेतन 14 प्रकार के रत्न, 9 निधियां। मैंने उसका वर्णन नहीं करे ना, तो वर्णन करने में ही आपको कई दिन लग जाए कैसे उनके भोग होते। और वो सब भोग जो है, उन भोगों में उनको सुख दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो सब भोग छोड़ के जिसमें उनको सुख दिखाई दिया ऐसे आत्मा की साधना के लिए चले। ये बात बहुत जोरदार है, एक बात ऐसी है जिनवाणी की जो आदमी को सोचने के लिए विवश कर दे कि ऐसी क्या चीज थी जिससे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसी कौन सी ऐसी महान चीज थी इससे भी ज्यादा बढ़ के, क्योंकि उन्होंने ये सब छोड़ा होगा तो कोई इससे भी बड़ी चीज के लिए छोड़ा होगा। तो वो थी वो आत्म साधना, मतलब वो आत्मनिधि थी, उस आत्मा की निधि को प्राप्त करने के लिए, या यूं कहें उस आत्मनिधि के सामने उनको सब वैभव दुखरूप लगा, आत्मिक वैभव के सामने सब तुच्छ लगा, दुखरूप लगा, और आत्मा का सुख शांति आनंद निराकुल रूप लगा, तो वो उसके लिए चले गए। और इसको उन्होंने तिनके के समान छोड़, तिनके के समान, तिनका भी सूखा पुराना जीर्ण शीर्ण, जैसे कौआ ऊपर अपने को बीट कर दे तो क्या करेंगे हम, बीट करने के बाद धोएंगे फटाफट, ऐसा तो नहीं कोई फोटो खींच लेना एक दिन, चल क्या करेंगे, क्या रखेंगे उसको, रखो इसको थोड़ी सा संभाल, अपने ऊपर मलमूत्र लग जाए तो क्या करेंगे अपन, उसको बिल्कुल साफ, और ये तो नहीं देख कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको देखते हैं पीछे पलट के, जैसे मलमूत्र का त्याग करके आता आदमी और उसकी सोचता है कहाँ गया होगा क्या गया होगा, ऐसे वो जो त्याग करते हैं ना तो उसके बारे में उनका विचार तक नहीं करते कि क्या हुआ होगा, मैंने मेरे बेटे को राज सौंपा है तो वो संभाल पा रहा होगा कि नहीं संभाल पा रहा, इतना बड़ा राज छोटा सा बेटा कैसे संभाल पाता होगा, ये तो मैं था तो इतने सब शत्रुओं को एक साथ देख लेता था, अब वो कैसे देखेगा। तो तुम वो कहते हैं छोड़े ही क्या फिर तुमने, छोड़ने का मतलब है मलमूत्र के त्याग के समान त्याग, कोई विकल्प ही नहीं। तो ये प्रथमान योग में असल में तो उन सब चीजों का वर्णन करके भी महत्ता धर्म की वितरागता की बताई जाती है, आत्म स्वभाव की महिमा ही बताई जाती है। इसलिए वो कहते हैं श्रृंगार भी धर्म के लिए है, युद्ध भी धर्म के लिए है, सब धर्म के, धर्म माने वितरागता की, इसलिए कोई दोष रूप नहीं। हाँ, यदि हम आखिरी में यदि वितरागता का पोषण ना करें और केवल राग राग का ही वर्णन करते रहे तो वो जरूर फिर कथा धर्म कथा नहीं कहलाएगी, भोग कथा हो जाएगी।
लेकिन उसके आखिरी के जो पन्ने हैं 10-15 पन्ने या आखिरी का 5 पन्ने भी वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उसके सामने शुरू के 500 पन्ने जो है उतना वैल्यू नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसमें असली बात है। जैसे रामचंद्र जी की पूरी कहानी है पर अंतिम अध्याय में ये है कि रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ले ली, तो अंतिम अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों को क्या दिक्कत आती है, लोग शुरू का तो खूब पढ़ लेते हैं, अच्छा मजा आता है, और जैसे ही वो उन मुनिराज के पास गए, फिर मुनिराज ने 10 धर्म का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया, तो उसमें धर्म की कथा चालू हो जाती, धर्म का वर्णन, तो अरे ये छोड़ो अब तो हो गया, छोड़ देते वहीं पर। जो असली कथन जहाँ से चालू हुआ छोड़ दिया जाता, तो वो धर्म की चर्चा तो रह जाती है केवल, वो फिर विषय भोग की रहती है। लेकिन फिर भी इतना है, फिर भी प्रथमानियों में फिर भी बीच बीच में भी जगह जगह वो उसको मुनिराज की सभा में ले जाके, किसी तीर्थंकर की सभा में ले जाके, केवली की सभा में ले जाके उसको बराबर वहाँ धर्म का उपदेश सुनवाया जाता है उस नायक को, और उसके माध्यम से वो धर्म का निरूपण कर लेते हैं। तो ये अब देखो अपन थोड़ा करना नियोग क्या हो, प्रथमा नियोग को समझ में आएगा कुछ, करना नियोग की क्या परिभाषा है। पेज नंबर निकालो आप 268। प्रथमा नियोग की परिभाषा हुई, अब अपन पढ़ते हैं। देखो कर्णानियोग और चरणानियोग दोनों की परिभाषा एक साथ पढ़ते हैं। कर्णानियोग में किन किन चीजों का वर्णन है, देखो गुणस्थान मारणा आदि रूप जीव का, पेज नंबर 268 मिला। अनियोगों का प्रयोजन उसके पहले, एक पैराग्राफ पहले मिला, जान से अनियोगों का प्रयोजन उसके पहले शुरू में जहां से अध्याय चालू हुआ, अनियोग का प्रयोजन मिला। अरे इधर इधर ये लिखा, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, तथा गुणस्थान मार्गणा आदि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह कर्णानियोग है। किन किन बातों का निरूपण है बताओ, तीन बातों का निरूपण है, गुणस्थान मार्गणा आदि रूप जीव का, इसमें कौन आ गया, कर्माणु जीव कांड, गुणस्थान मार्गणा आदि रूप जीव का, मैंने जिसमें गुणस्थान रूप जीव का वर्णन हो, मार्गणा स्थान रूप जीव का वर्णन हो, मैंने जिसमें जीवों के गुणस्थानों का वर्णन हो, जिसमें जीवों की मार्गणाओं का वर्णन हो, वो है जीव कांड। जीव कांड में 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं का निरूपण, ये तो यह जीव कांड माने जीव का निरूपण तो है, लेकिन गुणस्थान मार्गणा की तरफ से माने जीव का निरूपण गुणस्थान वाले जीव के रूप में किया जाएगा, मार्गणा स्थान रूप जीव के बारे में किया जाएगा। मार्गणा रूप और गुणस्थान रूप मतलब जैसे अभी अपन जीव है, तो जीव कोई अवस्था में, मनुष्य गति में, तिरंज गति में, नरक गति में, देव गति, तो उन अवस्थाओं का वर्णन करेगा कि भाई ये कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाएगा, गति में पाया जाएगा, 5 इंद्रियों में मिलेगा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद में मिलेगा, कोई कषाय करता हुआ मिलेगा, प्रतिश्रुत अवधि ज्ञान में से किसी ज्ञान में मिलेगा। तो जीव संसार में जिन जिन नाना अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, मतलब जीव की ये वर्तमान जो अवस्थाएं हो रही है संसार की, उन अशुद्ध अवस्थाओं का निरूपण करता है मारणा स्थान मुख्य रूप से, मैंने जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन करता है ताकि हमें जीव का स्वरूप समझ में आए। तो अशुद्ध वर्ण अशुद्ध अवस्था का निरूपण करने वाला है कर्णानियोग, गुणस्थान अथवा गुणस्थान रूप से निरूपण करेगा, मैंने ऐसा नहीं कि जीव को भेद प्रभेद छोड़कर एक अभेद अखंड जीव, ऐसा नहीं, ये क्लासिफिकेशन कर करके जीव समझाता है। जीव जो है 14 अवस्थाओं में किसी एक अवस्था में मिलेगा, 14 अवस्था में 14 गुणस्थान, जैसे कि भाई या तो ये पहले मिलेगा, दूसरे मिलेगा, चौथे मिलेगा, पांचवे मिलेगा, छठे सातवें में मिलेगा, ऐसे कोई अवस्था मिलेगा। तो यूं तो जीव एक है, लेकिन अपन ने गुणों की अपेक्षा से भेद कर दिया,
ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये पूर्ण सम्यक दृष्टि, ये पूर्ण सम्यक चैतवंत है, इसलिए अनंत है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, साधु है, ये आवृत्ति है, ये व्रति है, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि, ये सब भेद प्रभेद करके समझाया। कौन? वो गुणस्थान रूप वाला जीव, मतलब गुणस्थान में जीव के कौन सा गुणस्थान है, इस तरह से वो जीव का निरूपण करेगा कि भैया जीव के 14 गुणस्थान होते हैं, अभी अपन कौन से गुणस्थान में, कौन जीव कौन से गुणस्थान में, तो जीव को क्लासिफाई कर दिया 14 गुणस्थानों में। ऐसे मारणा स्थान में जीवों को क्लासिफाई करता, क्योंकि बिना क्लासिफाई किए हम जीवों को समझ नहीं सकते। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं तो अपन क्या करते हैं, लोगों को एक साथ बिठाना है तो अपन ने क्लासिफाई कर दिया, एकदम ऐसे हो गया सब बच्चे अच्छे इधर हो जाओ, बालक इधर हो जाओ, युवा इधर हो जाओ, ऐसे करते ही करते हैं, हर जगह क्लासिफिकेशन किया जाता क्या अपने को कोई लिस्ट बनानी है, यहाँ क्या लगे यहाँ क्या लगे। क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि जीवों को समझने में मदद मिलती है, हाँ सरलता हो जाती है। ऐसी अनंत जीव है, अब हम अनंत में से एक एक किस किस को समझेंगे, भैया एक ये जीव है, एक ये जीव है, एक ये जीव है, तो अनंतों को समझने के लिए मदद रूप में हमने क्या कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया कि चार गति। तो अब एक गति के अंदर से हमने वो गति समझ ली, उस गति में जितने भी जीव सब आ गए, नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, चार गतियां हैं। तो अनंत जीव गतियों के माध्यम समझ में आ गए। ऐसे अनंतों को समझते अलग अलग तो कितने समय लगता, अनंत काल। और यूं जिनमें सब समान धर्म था, जैसे अनेक जीवों का एक ग्रुप बना के उस ग्रुप को समझ लिया तो अनेक जीव समझ में आ गए। अरे की नहीं बात समझ, पांच इंद्री तो पंच इंद्री कहे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, तो पांच इंद्री से पूरा संसार समझ में आ गया। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीन वेद सभागत, तो एक क्लासिफिकेशन करने की शैली है जिससे हम अनंत जीवों को एक समूह में इकट्ठा करके और समझ सके। और वो अनंत जीवों को जो इकट्ठा करेंगे तो उनमें कोई धर्म समान की अपेक्षा से करेंगे, जैसे स्त्रीत्व बना सब में समान है तो स्त्री का ग्रुप, पुरुष बना समान है पुरुष का ग्रुप, नपुंसक बना समान है नपुंसक, मनुष्य के मनुष्य बना सब में है कि मनुष्य, तिरेंज बना है तिरेंज, ऐसे समान जिनमें धर्म सादृश्य पाया जाएगा ऐसे ग्रुप बनेगा। तो धर्म सादृश्य से क्या करते हैं कि अनंत जीवों का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि एकेंद्रीपना तो अनंत जीवों में, तो हमने एकेंद्रीपना समझ लिया तो एकेंद्रीपना समझ से हमको हमने सबको समझ लिया, समझ में आ रहा है। एक को समझने से अनंत को समझ लिया जाता है। पर यही है कि ये सब जो भी वर्णन करता है संसार अवस्था रूप जीवों का करता है, भेद प्रभेद वाले जीवों का वर्णन करता है, जो जीव का त्रिकाली स्वभाव है उसका वर्णन नहीं करता, उसका वर्णन करेगा अध्यात्म। ये तो संसार में जो वर्तमान में अवस्था दिख रही है आंख से, बिल्कुल खुली आंख से जो दिखती है उसका वर्णन करता। मैंने ये जो नहीं दिखता उसका वर्णन नहीं करता, जो दिखता उसका वर्णन करता। दिखता मतलब वो भी यूं कहें तो दिखता का भी और नहीं दिखता उसका भी करता है, लेकिन फिर भी इसको समझना इतना कठिन नहीं है। चार गति समझना कठिन कठिन है कि चार गति समझना नहीं है कठिन, सरल है। चार गति दिख रही है मनुष्य तिरंज, देव भी अपना अनुमान से समझ सकते हैं, नरक गति भी, सिद्ध गति थोड़ा सा कठिन है। वो इसलिए वो अध्यात्म का विषय है जिसमें मतलब थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा, ये सब एक अपेक्षा से करना नहीं, वो भी सरल है, क्योंकि इसमें अशुद्ध जीव का निरूपण, अशुद्धि समझ में आती है, शुद्धि देर से समझ में आती है। द्रव्यानियोग प्योर नहीं, द्रव्यानियोग के अंदर है, मतलब अध्यात्म माने द्रव्यानियोग। तो मार्गणा माने जिसमें जीवों की खोज की जाए, अन्वेषण किया जाए, तो इनके द्वारा हम जीवों की खोज करते हैं। चार गतियों में जीवों की खोज करेंगे, पांच इंद्रियों में, चार कषायों में, इनके द्वारा जीवों की क्या की जाती है, खोज की जाती है, रिसर्च। रिसर्च भाई हम जीव खोज रहे हैं तो पहले चार गतियों में खोजो, जीव मिल जाएगा वहाँ, पांच इंद्रियों में खोजो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा पांच इंद्रियों में, किसी न किसी इंद्रियों में, तीन वेद में खोज लो,
चार कषाय में खोज लो, संसार में यदि वो है तो कहीं मिल जाएगा। संसार अतीत भी होते हैं लेकिन यहाँ जो है मुख्यतया मतलब भेद प्रभेद वाले जीव को समझाया जाता है। वे जीवों के ही बने, एक जीव के ही कितने प्रकार से उसके भेद प्रभेद कर देते हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो उन गुणस्थान रूप जीव मैंने गुणस्थान से संयुक्त, अब बिना गुणस्थान वाले जीव को वर्णन नहीं करेगा, वो बिना गुणस्थान वाला जीव जो है वो द्रव्यानियोग का है, कर्णानियोग का जो जीव है वो तो गुणस्थान वाला है। वो क्या कौन से गुणस्थान में है उसका प्रश्न वहां से चालू होगा, वो कौन से गुणस्थान वाला है, कौन से गुणस्थान वाला है। मैंने कर्णानियोग तो वहीं से उसका आइडेंट उसका क्राइटेरिया यही है, वो जीव को वहीं से नापेगा अब कौन से है गुणस्थान पहले है, अच्छा ठीक चौथे पांचवे। मैंने वो जीवों को उन गुणस्थानों के अंदर विभाजित करके और समझाएगा, ऐसे जीवों को मार्गणों में विभाजित करके समझाएगा, जीव समाज से विभाजित करके समझाएगा, ऐसे ये गुणस्थान मार्गण स्थान रूप जीव का वर्णन कर। जीव का वर्णन बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या, लेकिन वो बस थोड़ा समझने में उपयोग लगाना पड़ता है उसे क्या, बाकी वो समझे तो बहुत मजेदार विषय है वो, सबसे रोचक प्रथमानियोग से भी बहुत रोचक विषय है वो, मजा आ जाए पढ़ने में, रुचि हो जाए किसी की तो खाना पीना भूल जाए वो, ऐसी चीजें वो एकदम दिवाली की मिठाई विठाई सब एक तरह हो जाए। सबसे उपयोग लगने वाला विषय एकदम, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों का पूरा डिटेल में वर्णन है, मनुष्य कितने तरह के होते हैं, फिर मनुष्य कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी संख्याएं कितनी है, कितने प्रकार के मनुष्य, भेद कितने मनुष्यों के, सब वर्णन। मनुष्य वास्तव में किसे कहते हैं, मनुष्य किस कारण से बनता है, सारा एक एक चीज का खुलासा, त्रियंश का खुलासा, देवों का नारकियों का सबका, इंद्रियों की तरफ से खुलासा, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री, इनकी कितनी संख्या है, इनके रहने का क्षेत्र क्या है, तीनों काल में कौन कौन से क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं, एक इंद्री में रहेगा तो कितने काल रहेगा, बाहर रहेगा एक इंद्री से कितने काल रहेगा, एक इंद्री कितने हैं दो इंद्री की तुलना में, एक इंद्रियों में कौन कौन से भाव हो सकते हैं, सब जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। तो वास्तव में कर्णानियोग का जिसको ज्ञान है वो इसको सूझा लोकालोक होगा, बाकी तो अपने आत्मकल्याण के लिए बाकी सब अनियोग अच्छे हैं, लेकिन कर्णानियोग अपने आत्मकल्याण के लिए भी और पूरा लोक समझ में आता है क्या, केवल ज्ञान ने जो देखा है वो कर्णानियोग में दिखाया है। तो इसमें गुणस्थान मारना जीव हो गया, तो एक तो जीव कांड हो गया सबसे इंटरेस्टिंग, दूसरा है कर्मों का, दूसरा इसकी फिलोसॉफी कर्म फिलोसॉफी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, मूल प्रकृति कितनी है, उत्तर प्रकृति कितनी है, अपने पढ़े सब कर्म दो प्रकार के, घातिया अघातिया अथवा तीन प्रकार, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, और फिर द्रव्य कर्म के दो भेद घातिया अघातिया, घातिया के घातिया के कितने भेद चार, ज्ञानावरण के नौ, फिर उनकी एक एक की नौ, फिर दर्शना ज्ञानावरण के पाँच, दर्शनावरण के नौ, मोहनी के अट्ठाईस, वेदनी अंतराय के पाँच, ऐसे सब एक एक वर्ण अंतराय के पाँच, फिर उनके अंदर एक एक की चीज और चर्चा करो, बंधता कैसे, जब बनता है तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, बंधने के बाद में सत्ता कब तक रहती है, उदय आता है तब क्या होता है, बीच में संक्रमण उत्कर्षण उद्दीर्णा तिरत्ति निकाचे सब वर्ण, और फिर एक एक मारणा में लगाओ हर एक में, मैंने वो क्या करता है, ये सब कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं, एक एक गुणस्थान में लगाओ आप कर्मों को, जैसे पहले गुणस्थान में कौन कौन से कर्मों का बंध होता है, दूसरे में कौन सा बंध कर्मों का बंध होता है, 14 में लगाओ, बंध लगाया उदय लगा लो, फिर सत्ता लगा लो, ये सब चीज लगाओ, और एक ये मूल कर्म लगा है, फिर उत्तर प्रकृति ज्ञानावरण की एक एक प्रकृति को लगाओ एक एक गुणस्थान में, फिर गुणस्थान में लगाया फिर मार्गण स्थान में लगाओ, गतियों में इंद्री में काय में योग में वेद में कषाय में ज्ञान में संयम में, इन सब में लगाओ, 14 मार्गण है उनमें लगाओ, तो ये क्या है कि ये पूरा क्लैरिटी बहुत हो जाती है, पिक्चर जो है
बहुत क्लियर हो जाती है संसार की कि क्या संसार का वास्तविक चिट्ठा है। दूसरी जैन धर्म की अगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है क्योंकि ऐसा सूक्ष्म निरूपण जो करना नियम में निरूपण किया सूक्ष्मता से वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलता है, उससे जैनत्व की जैन धर्म की श्रद्धा उत्पन्न होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा अपने को समझ में जाता है अपने कि कर्म क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से कर्म बनते हैं, कैसे अवॉइड करना उस चीज़ों को और मुक्ति कैसे होगी, क्या है, मैंने हमको रियल जो प्रोसेस है उसका ज्ञान होने लगता है। और नहीं तो अभी सब अपना क्या चलता है अंधेरे लाइट में तीर चलते हैं, अपन चला रहे हैं, चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो संसार तो है ही सही। तो ये सब सूक्ष्मता से इन सब बातों का ज्ञान कराता है करना नियोग कर्म कांड, खासकर वो मोट सारा कर्म कांड जैसे। अब ये है तो थोड़ा रूखा, जीव कांड सरस है, कर्म कांड थोड़ा नीरस है, लेकिन जिनको कर्म में समझने में रुचि है उनके लिए कर्म कांड भी सरस है। ये इससे क्या लेना देना हो सकता, कर्म बंद, कर्म बंद अलग चीज है, कर्म की बंद उदय सत्ता दस स्थिति बताई थी उसे करना नहीं उनके अंदर, कर्म बंद शब्द अलग है, कर्म बंद है। तो कर्मों के कर्मों का सारा वर्णन मैंने आपको पूरा जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, करना नहीं, दो चीज हो गई। तीसरी चीज किसका निरूपण है उसमें, तीन लोग का, जम्बूद्वीप कहाँ है, वसुदाश्रम वेणु कहाँ है, मंच वेणु कहाँ है, नंदीश्वर कहाँ है, सूरज चंदा कैसे घूमते हैं, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, ना ग्रहण कैसे होता है, ना सब चीजों का निरूपण सब निकाल सकते हैं यदि कोई पढ़ने वाला हो ना, पंचांग बना सकते हैं क्या, मैंने उस पर वो नहीं किया ज्यादा लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यदि थोड़ा ढंग से पढ़े ना उसको तो पंचांग अपन खुद बना सकते हैं, आप बना सकते पंचांग। जैन पंचांग बनता भी है और वो सब वो अपने जो जो पूरा ज्योतिष विज्ञान दिया उसके आधार से बनता है, अपने पूरा दिया सब गणित, ये कैसे घूमते हैं, कितने दिनों में इनकी परिक्रमा पूरी होती है और हर कितने साल में एक महीना बढ़ेगा कब बढ़ेगा और सारा उसके हिसाब से आप तिथि विथि सब निकाल सकते हो यदि आप सचमुच व्यवस्थित रीति से पढ़ो तो, कि आप कब ग्रहण आएगा कब नहीं आएगा सब दिया हुआ उसमें, मैंने उसमें पूरा साइंस दिया हुआ है। और वो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो जैन पंचांग है जो बनता है 88 ग्रहों के आधार पर बनता है, तो जो लोग नौ ग्रह मानते हैं ना तो उनके हिसाब से तो ये सब जैन पंचांग झूठे हैं, फिर पंचांग लगाते ही कहते हैं मंदिरों में, तो मंदिरों में जो पंचांग लगे तो 88 ग्रहों के हिसाब से लगे, वो मान रहे हैं नौ ग्रह तो मतलब पंचांग झूठे हैं, या तो क्या उनके नौ ग्रह झूठ, और सारे जिनवाणी में 88 ग्रह लिखे हुए तो लोग सारा तिलोक पढ़ने थी सब मैंने बताया था ना पहले, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत प्रश्न चिन्ह लगाती सब कि लोग कितने बेसिक चीज़ों के ज्ञान से अनभिज्ञ है। और फिर कल एक भैया ने आज आए नहीं, वो बोले पढ़ते नहीं क्या, मैंने कहा पढ़ते होते तो फिर ये सब क्यों होता, मैंने बाद में सोचा मैंने कहा यदि पढ़ रहे होते हैं तो ये सब ये सारी स्थापनाएं क्यों होती, यदि ये पढ़ा होता कि 88 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रह की स्थापना क्यों, इसका मतलब या तो ज्ञान नहीं हो, ज्ञान है तो भी ज्ञान ज्ञान हो फिर भी करे तो और डबल अपराध है क्योंकि वो तो जिनवाणी के खिलाफ चलने की बात हुई हो तुम। चैलेंज है सब यति वृषभाचार्य को, त्रिलोकसार को, धवला को, जय धवला को, सबको चैलेंज है, मतलब खुले आम आ जाओ किसको कहना है, क्यों कि जिनवाणी को चैलेंज हो गया, जिनवाणी क्या कह रही है, अपन क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन सब में लौकिक कामनाएं छुपी हुई है, ये चक्कर है और कुछ नहीं। तो तीन बातों का निरूपण एक है, क्या है, गुणस्थान मार्गण स्थान आदि जीव का, कर्मों का और त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो करना। प्रथमा नियम में किन दो बातों का वर्णन था, एक ही का था प्रथमा नियम, महान पुरुषों के जीवन चरित्र का, बस दो बातें हैं पुराण और चरित्र। पड़ोसी से पूछ लिया प्रथमा नियम में किन दो बातों का निरूपण है, पुराण का और चरित्र का, ये प्रथमा नियम में दो बातों का, पुराण और चरित्र को अपन एक ही लाइन में कहें तो
महापुरुषों के जीवन चरित्र का। और कर्णानियों में तीन बातों का है, इसका सब्जेक्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिटेल यदि कोई चीज की है तो कर्णानियों, क्योंकि उसमें गुणस्थान आदि रूप जीव, गुणस्थान मरणस्थान आदि रूप जीव का एक पोर्शन तो ये हो गया पूरा, कर्मों का दूसरा पोर्शन, त्रिलोक आदि का, और तीनों के तीनों डिफरेंट है। महापुरुषों का जीवन चरित्र कहो चाहे पुराण कहो, चरित्र का बड़ा वर्जन पुराण, लेकिन ये वो नहीं है कि जीव का बड़ा वर्जन कर्म का नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीजें, तीनों सेपरेट ब्रांचेस से अलग है, एक तीन लोक का ज्योग्राफी का पूरा, और एक में पूरा कर्मों का, और एक में पूरा गुणस्थान मरणानुरूप जीव का, तीन अलग अलग चीजों का तुमको पढ़ना। और ये तो जीव कांड कर्म कांड तो बहुत छोटे छोटे हैं, बच्चे इनके जो पिताजी हैं वो तो कोई हाथ भी लगा ले बहुत बड़ी बात है, वो है सब धौला, जय धौला, महाधौला, षटखंडागम, बड़े बड़े ग्रंथ है, परंतु वो कौन पढ़े, पहले जीव कांड कर्म कांड ही पढ़ ले आदमी तो वो फिर पढ़े, पर वो है मतलब मूल सोर्स तो उसका है, गोमटसार तो उसके आधार से रचा गया, असली ग्रंथ है षटखंडागम, षटखंडागम की जो टीका है और षटखंडागम उसको आधार बनाकर त्रिलोक से ये गोमटसार जीव कांड कर्म कांड की रचना हुई है। और ऐसे ही ये है इसका जीव कांड कर्म कांड का इतिहास भी है, और फिर इधर इसके अलावा ये त्रिलोक सार है, त्रिलोक पंडित्ति है ये ग्रंथ, तो इनमें बहुत विस्तार है, क्योंकि धौला अगेला देखो तो धौला की 16 पुस्तकें हैं, फिर जय धवल 16, महाधवल 7, 39 पुस्तकें तो ये है, और फिर उसके अलावा आपकी जीवकांड की, कर्मकांड की, लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडित्ति, यति वृष्भाचार्य के कषाय पाऊ, चूर्णी सूत्र, बहुत है उतना अच्छा विस्तार, प्राकृत पंच संग्रह, ऐसे इस कर्णानियों के अंदर ये सब ग्रंथ है जो बहुत महान महान ग्रंथ है, और इसका अभ्यास जो है अपने को मोटा मोटा भी करना है तो तीन ग्रंथ पढ़ लेना आप, तो भी आपका इस अनियोग का अभ्यास हो सकता है, एक तो जीवकांड, एक गोमटसार जीवकांड, एक गोमटसार कर्मकांड, और एक त्रिलोकसार, ये तीन ग्रंथ पढ़ लेना, हो गया आपका आपके जितना काम हो जाएगा, गोमटसार जीवकांड, और दूसरा ग्रंथ है गोमटसार कर्मकांड, और तीसरा है त्रिलोकसार, ये तीन ग्रंथ है। त्रिलोकसार ये तीनों नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचे गए, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये वही थे जिन्होंने की श्रवण मेलगोला के अंदर वो प्रतिमा जो बनी है उसके जो मतलब वो कहते हैं कि उनकी वो उनके गुरु थे जिन्होंने बनाई थी, उनके गुरु चामुंड राय के धर्म गुरु थे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। ये तीन हो गए, अब आगे चलो कर्णानियों मतलब ये तीन ग्रंथ भी पढ़ लोगे आप, तीनों में तीन तीन एक एक चीज मिल जाएगी, एक एक चीज का परिचय हो जाएगा, जीव कांड में जीव का, कर्म कांड में कर्मों का, और त्रिलोक सार में तीन लोग, इसलिए गुणस्थान मरणादि रूप जीव पढ़ना है तो जीव कांड पढ़ लेना, गोमटसार जीव कांड, कर्मों को पढ़ना है तो गोमटसार कर्म कांड, और तीन लोग का स्वरूप जानना है तो त्रिलोक सार। ये कर्णानियों हो गया, करण का अर्थ क्या होता है, करण के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ करण का अर्थ है गणित, तो इसमें गणित की मुख्यता से वर्णन है, किसकी मुख्यता से, गणित की मुख्यता, क्योंकि इन सब चीजों में गणित चाहिए, आपको पूरा ज्योग्राफी बतानी है, हमको लंबाई चौड़ाई बतानी है, तो लंबाई चौड़ाई बिना गणित के बता देंगे क्यों, क्षेत्रफल निकालना नहीं आता उसको, कि कितने ये 50x40 का प्लॉट है, 50x40 क्या होता है, 50x40 कुछ समझ में नहीं आता उसको, 50x40 क्या, क्षेत्रफल निकालना नहीं आता क्या, तो गणित आना जरूरी है थोड़ा बहुत, तीन लोक का निरूपण करेंगे ये तो छोटी छोटी रचना है, अपन बड़ा बड़ा पूरा, अब संख का घनफल निकालना है, संख का
निकाल के बताएंगे वो सब उसको। एक एक चीज का घनफल, तीन लोग का, जब भरत क्षेत्र, जम्मूदीप, आर्यखंड, सबकी चीजें निकालेंगे, तो बारीक से बारीक गणित है उसमें। लोग कहते हैं हमने गणितों का आविष्कार किया। मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत पढ़े जैन दर्शन की किताबें, सबकी आंखें खुल जाए कि ये कितनी गहराई से और सूक्ष्मता से निरूपण किया हुआ हर बातों का, कितना गहरा तो गणित है। सारे सूत्र खुद ने डिराइव किए सबने, बताओ शंख का घनफल निकलवा के बताओ अभी किसी से, सारे गणितज्ञों को बुला के शंख का घनफल निकाला उसको। वो सब 2000 साल पहले की पुस्तकें, शंख का, गोमी का, भौरे का, विधि दी है सारी, और सब सूत्र दिए हैं सारे गणित के, सारे सूत्र समीकरण निकालने की विधि सब है, पूरा वर्णन है उसका। क्योंकि तीन लोग की ज्योग्राफी को लिए, मतलब ज्योग्राफी में तो सभी चीज आएगी ना, थ्री डायमेंशन, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो तीन लोग का निरूपण तो तभी होएगा। आपको हर चीज का निरूपण करना है वो बिना गणित को नहीं सकता। ऐसे कर्मों का भी निरूपण बिना गणित के नहीं हो सकता। कर्म कितनी स्थिति के लिए बनता है, कब उदय आता है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है, क्या उसकी स्थिति कैसी पड़ती है, मैंने किस कर्म की किस स्थिति कितनी है, और कितने कर्म होते हैं, उनकी क्या क्या जो है अनुभव कितने प्रकार का, इन सब में गणित की जरूरत पड़ती है। बिना गणित वाला को थोड़ा टफ पड़ सकता है। वैसे एक बात है कि इन ग्रंथों में आवश्यक गणित दिया हुआ है, जितना आवश्यक गणित उन ग्रंथों को समझने के लिए चाहिए वो पहले उन्होंने दिया, उसके पे आठवीं क्लास तक का गणित मिल जाएगा उसको, खुद नहीं समझाया उन्होंने, खुद ने अपने गणित के सब सूत्र बना के दिए ताकि आपने नीवी गणित पढ़ाओ तो पढ़ो और आपको समझ लो बता दो, ठीक है। तो इसलिए ये सब गुणस्थान ही बढ़ना है, तो पहले गुणस्थान में जीवों की इतनी संख्या है, दूसरे में संख्यात गुना है, तीसरे में उससे असंख्यात गुना है, ऐसा जो भी कुछ वर्णन आएगा, तो वो संख्यात क्या होता है, असंख्यात क्या होता है, सिद्ध अनंत है, अनंत क्या होता है, जीवों से अनंत गुना पुद्गल है तो अनंत क्या है, तो ये सब चीज़ों का संख्या, संख्याओं का वर्णन है, पल्ल का, सागर का, जैसे कर्मों की स्थिति बताएंगे कि 33 सागर की स्थिति है नरक की, तो सागर क्या होता है, सागर का 20 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर होता है, तो पल्ल क्या होता है कि एक पल्ल के असंख्यात भाग में असंख्यात कोटि पुल होते हैं, तो कोटि पुल क्या होते हैं कि एक पुल जो है 70,56,000 करोड़ वर्षों का होता है, अच्छा वर्ष का हो, सब समझाना पड़ेगा गणित के लिए। तो इसलिए इसका नाम है गणितानियोग भी कहते हैं इसको कई लोग, क्योंकि इसमें सब गणित की मुख्यता है, मैथ्स प्योर मैथ्स, इसलिए मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट है। प्रथमानियोग किसका सब्जेक्ट है, लिटरेचर वालों, काव्य साहित्य, जिनको काव्य की रुचि है, साहित्य की रुचि है, रस श्रृंगार रस, इनमें जिसको मजा आता है ना, जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए प्रथमानियोग अच्छा, और जो गणित के स्टूडेंट हैं उनके लिए कर्णानियोग। चरणानियोग किसके लिए देखो पड़ते हैं, चरणानियोग किसका लिए पड़ता, तीसरी लाइन, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानियोग, किसका निरूपण हो, गृहस्थ और मुनि के, दोनों के, गृहस्थ और मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो, धर्म के आचरण करने का, माने गृहस्थ को किस प्रकार का धर्म आचरण करना चाहिए, मुनि को किस प्रकार का धर्म आचरण करना चाहिए, गृहस्थ के योग के आचरण कैसा होना चाहिए और मुनि के योग कैसा, इस सब का बुक में निरूपण है पूरा। इसलिए कहता हूँ ये अपनी नहीं चलती इसमें कुछ भी, इसमें क्या चलती है, चरणानियोग जो कहेगा, चरणानियोग गृहस्थ का आचरण बताएगा, मुनि का होता है गृहस्थ में, मतलब जिसने व्रतादिक जो लेता है अथवा तो सामान्य भी जैनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, और मुनिराज के लिए क्या, और व्रति के लिए जिसने, जिस गृहस्थ ने प्रतिमा धारण की है तो पहली प्रतिमा का क्या होगा, दूसरी प्रतिमा वाले क्या होगा, सब डिफाइंड है, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं है, हर चीज़ वेल डिफाइंड है, इस प्रतिमा में ये स्वरूप आचरण होता है, इस प्रतिमा में ऐसा आचरण होता है, इस प्रतिमा में ऐसा आचरण होता है, श्रावक का मतलब इस प्रतिमाधारी का ऐसा होता है, जो अणुव्रत लेता है उसका ऐसा होता है, और अणुव्रत के अणुव्रति कौन होगा, श्रावक, और फिर जो महाव्रति होते हैं उनका कैसा आचरण होता है, उनकी किस प्रकार के मूल गुण होते हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी होती है, क्या क्या होता है, चरण माने आचरण, तो आचरण का जो अनियोग है वो चरणानियोग, चारित्र का क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ शुड वी लिव अवर लाइफ,
क्या मतलब जो क्रिया में जो भी अपना आचरण होता है समस्त क्रिया कारण का निरूपण करेगा कि मतलब किस किस प्रकार का आचरण जीवन में एक गृहस्थ एक आदर्श गृहस्थ का योग्य गृहस्थ का मुनिराज का के साथ है। जैसे रात को नहीं खाना चाहिए कौन से अनियोग का विषय है मतलब इसमें क्या रहता है देखो जैसे ये जो ये अनियोग का जो जन्म हुआ वो समझ लो इस प्रश्न के आधार पर हुआ। जैसे किसी ने प्रश्न किया हे प्रभु हम क्या खाएं कैसे खाएं कैसे चलें कैसे बैठें क्या कैसे सोए कब सोए तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा भाई चलो तो देख के चलो यतना चार हुआ बैठो तो देख के चलो बैठो तो देख के बैठो हर काल यत्नपूर्वक करो तो यत्नपूर्वक कैसे करें तो उसके उत्तर में मानव इस पूरे समस्त चरणानियों का जन्म हुआ मैंने आचरण के निरूपण में इसका हर आंसर आचरण की तरफ से आया। ठीक है इजी ये भी मैंने जिसमें आचरण का निरूपण होगा चरणानी आचरण मतलब बाह्य आचरण अंतरंग आचरण नहीं है ध्यान रखना बाहर का क्रियाकांड जो लोगों को भी दिख जाए कि हाँ मंदिर आ रहे हैं पूजन कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं सामाई के बैठे हैं भले ही वो सामाई के बैठे बैठे अंदर में कुछ भी सोचे उसको उत्ता उसको भी करेगा वो वैसे चरणानी हो क्योंकि वो दो प्रकार से उपदेश देता है एक तो क्रिया की मुख्यता से और एक परिणामों की मुख्यता से एक जगह क्रियाओं का सुधारने का उपदेश देगा दूसरे परिणाम सुधारने का एक व्यवहार का एक निश्चय सहित व्यवहार व्यवहार के उपदेश में क्रियाओं की मुख्यता होती है और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की मुख्यता होती है जिन तो वही निश्चय सहित व्यवहार में परिणामों की मुख्यता है और मेन कार्यकारी परिणाम की क्रिया परिणाम तो फिर परिणाम का उद्देश्य ना जी क्रियाओं का उपदेश क्यों किया प्रश्न उसका उत्तर दिया उन्होंने कि जिन जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का ज्ञान होता दिखाई नहीं देता जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान होता दिखाई नहीं देता उपदेश देने में भी नहीं दिखाई देता तो ऐसे जीवों को व्यवहार ही का उपदेश ताकि वो व्यवहार का उपदेश देके उनको क्रियाओं के माध्यम से किसी भी करके और उनको धर्म में रुचि उत्पन्न कराते क्यों क्योंकि क्रियाएं सुधरने पर भी किसी किसी के परिणाम सुधर जाते हैं जरूरी नहीं है पर फिर भी इसके माध्यम से सही जैसे सही और जिनके सीधे परिणाम सुधरने की योग्यता है जो जीव ऐसा सीधे समझ सकते हैं तो उनको परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं कि परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी सुधरेगी और ये हो सकता है कि क्रिया सुधार भी ले तो परिणाम तो इसलिए वो परिणाम सुधारने का ही मुख्यतः से उपदेश है लेकिन जो जीव परिणाम नहीं समझने में समर्थ है और उन जो जीव जीवन यूँ कहें उस जाति का उपदेश ग्रहण करने में समर्थ नहीं है उन जीवों को क्रियाओं की मुख्यता से उपदेश दिया है इसकी विधि शैली है क्योंकि क्रिया समझ में आ जाती है परिणाम समझने में मुश्किल पड़ता है। ये करो जैसे अपन कहें अभी दिवाली पे अपन सब बनेड़िया तक की दौड़ लगाएंगे धर्म होगा बनेड़िया की दौड़ लगाना सरल और मैं कहूँगी अपन नहीं दिवाली के दिन अपन 3 घंटे स्वाध्याय करेंगे ओ स्वाध्याय करेंगे ठीक है घर पर ही रह जाए अधिकार अभी देखो दिवाली के टाइम पे अपना मार्केट सबसे स्लो रहता पंडितों का मार्केट सबसे स्लो फिर से एक जन ने पूछा सब मार्केट चलते कोई ऐसा मार्केट भी जिस समय मार्केट मद्दा रहता मैंने कहा हाँ हम लोगों का सबसे मद्दा रहता है सब हमारे ग्राहक ही गायब हो जाते सारे के सारे और जो आते हैं वो भी बिल्कुल समझ लो बिल्कुल जैसे कोई लास्ट माल लेने आते हो हमारे थके थाके एकदम थक जाते बेचारे दिन भर साफ सफाई करते करते क्या करते या तो फिर साफ सफाई करते रहते हैं या घरों में मिठाई बनाते रहते हैं बांटने के लिए है कि नहीं पेट खराब करो प्रतियोगिता होनी चाहिए कौन किसका खराब कर सकता है मुझे समझ में ही नहीं आता लोग खा कैसे जाते हैं सर मैं मीठा नमकीन देखता रहता हूँ किसी के तो मेरे विचार आता है कभी कभी कि क्या क्या चक्कर क्या है अपने तो पेट खराब होते हैं इनके खराब नहीं होते क्या होता है अच्छा दवाई भी खाते रहते साथ ये चक्कर है मतलब वो पहले कीचड़ भी लगाते हैं और धोते भी रहते हैं उसको साथ साथ
देखो अभी सब सब गायब अभी सारे सब सब अभी दिवाली का है सीजन, इसके बाद फिर शादी का सीजन चालू हो जाएगा, फिर बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद में गर्मी की क्रिसमस आ जाएगी, फिर क्रिसमस के बाद में फिर अगला सेशन चालू हो जाएगा बच्चों का, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर महिलाएं बाहर अपनी पीयर चली जाएंगी, फिर खत्म। कितने सारे बहाने रहते हैं उनके पास, ये तो लास्ट है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें तो क्या है। तो अपन यदि कोई किसी को एक्टिविटी की कहे हैं, कुछ एक्टिविटी करना है तो एक्टिविटी सब कर लेंगे, मंदिर में मारना बनवाना है सब आ जाएंगे, सबकी सब आ जाएंगे, मारना बनवाना है, कुछ सजवाना हो, मंदिर की सजावट करनी हो, सब आ सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे भगवान महावीर स्वामी का सब जीवन चाहिए पढ़ो बैठ के, नहीं कोई नहीं पढ़ने वाला, रस नहीं है ना उस जात का रस नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं जिन जीवों को इस चीज का रस नहीं है, हमको धर्म में तो उनको लगाना है, हमको मंदिर तो उनको बुलाना है, तो हम उनको इन्हीं के माध्यम से सही, जैसे सही वैसे सही आए तो सही। इसलिए कहा कि जो जीवों को निश्चय सही व्यवहार का या निश्चय का ज्ञान होता दिखाई नहीं देता, उपदेश देने पर भी नहीं दिखाई देता, श्री गुरु उनका इतने ही उपकार करते जैसे तैसे ये बड़े बड़े पाप से छूट कर थोड़े धर्म में ही लगे, उतना ही उपकार हुआ, कम से कम खोटी गति से तो बचेंगे। अब क्या करें, मोक्ष मार्ग में तो देखो लगने वाले जीव मिल रहे, ये रियालिटी है, सचमुच मोक्ष मार्ग में ये सबसे विरल मार्ग है, ये इस मार्ग के अंदर लगने वाले जीव बहुत थोड़े हमेशा ही रहेंगे। तो अब अपने को जब को जोड़ना तो है, तो भाई जिस तरह से जुड़ जाए उस तरह से सीखिए। तो ये हो गया कि चरणा नियम किसका निरूपण, आखिरी अंतिम क्या है, द्रव्य नियम, इसमें किस चीज का निरूपण देखो, तथा षट द्रव्य, छह द्रव्य कौन कौन से, कौन कौन से अंकित, एक मिनट अंकित सही बोला ना, जीव उद्गल है, अजीव नहीं है, तत्व में अजीव, हाँ छह द्रव्य, और किसका निरूपण है देखो, सप्त तत्वाधिक का, सात तत्व, सात तत्व के नाम क्या बताओ, चलो अरे आप बोलो ना, तुम बोलो ना, हाँ सात हो गए हैं, सात तत्व हो गए हैं, बताओ सात तत्व कौन बताएगा, सुमित जी बताओ, पांच ही हुए तो दो का रह गए, चलो आपको पड़ोसी से पूछते, पड़ोसी बताओ क्या नाम है आपका, अच्छा पीछे आपके पीछे आगे क्या नाम है, सुहा बताओ पीछे, नहीं काले नहीं बोलते, भावेश जी के पास, ज्ञानेश जी के पास में बैठे, क्या नाम है आपका, राजकुमार जी, बताओ सात तत्व के नाम, नहीं मालूम कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट, अभी अभी नहीं आपको बोला, मेरे को इधर वालों से तो आप बताओगे भाभी जी, चलो बताओ, एक छूट गया, आज छोड़ दिया, ये सात तत्व के नाम है, देखो अभी पर मतलब अभी बहुत देखो मेहनत करनी पड़ती है, जीव अजीव आशव बंद संवर्ण निद्रा सात तत्व का, और स्व पर वेद विज्ञान आदि का, स्व पर के वेद विज्ञान आदि का, आदि में मतलब स्व पर वेद विज्ञान है, वस्तु स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, इन सबका जिसमें निरूपण हो वो क्या है, द्रव्य, तीन पार्ट हो गए इसके, ये वेद विज्ञान स्व पर का वेद विज्ञान, स्वानुभव आत्मानुभव वस्तु व्यवस्था, ये सब वेद विज्ञान, क्षेत्र वेद विज्ञान, सात तत्व वेद विज्ञान, इन सब का प्रयोजन तो वेद विज्ञान, क्षेत्र को अपन ने क्यों समझाता, ये समझने के लिए कि मैं जीव हूं, उद्गल नहीं हूं, उद्गल अलग द्रव्य, मैं अलग द्रव्य, सब द्रव्य अलग अलग है, तो मैं उद्गल से भिन्न द्रव्य हूं, इसके लिए अपन ने जीव 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 उद्गल समझा, प्रयोजन तो यही है, सबके पढ़ने का द्रव्य नियम के पढ़ने का प्रयोजन तो एक ही निकलता है बस, सब तरफ से वेद विज्ञान, वेद विज्ञान किससे करना, वेद का विज्ञान,
जी उद्गल से भेद का विज्ञान, इसका नाम है अध्यात्म। उद्गल शरीर, शरीर आदि जो परद्रव्य है उनसे भिन्नता की भावना भाना, भेद विज्ञान। अध्यात्म क्यों कहते हैं उसको? अधि माने जानना, आत्म माने आत्मा को, तो अपने आत्मा को जानना अध्यात्म। और अपने आत्मा को कब जानेंगे? परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, परद्रव्यों से भिन्न जानेंगे तो भेद विज्ञान होगा कि नहीं होगा? परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानने का नाम अपनी आत्मा का जानना है। ऐसे तो अपनी आत्मा को अपन जानते ही है, लेकिन परद्रव्य के साथ मिला के जानते हैं तो वो भेद विज्ञान नहीं है उसको। वो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना है, उसको भेद विज्ञान है। इसलिए भेद विज्ञान का निरूपण है उसको मुख्यता से। छह द्रव्यों का, सात तत्वों का और भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वो द्रव्यानियोग है। मैंने ये सात तत्व का निरूपण द्रव्यानियोग है, छह द्रव्य का निरूपण द्रव्यानियोग है, सामान्य गुण विशेष गुण सब द्रव्यानियोग है। द्रव्य के गुण है ना, अपने पढ़ा सामान्य गुण विशेष गुण, मैंने द्रव्य की द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यानियोग। सात तत्व द्रव्यानियोग, सफल भेद विज्ञान द्रव्यानियोग, पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय कायम जाएगा द्रव्यानियोग, सब द्रव्यानियोग के विषय। ठीक है, बताओ तीन चीजें का निरूपण हुआ वैसे, तीन क्या इसके अलावा? अच्छा, द्रव्यानियोग में क्या है? न्याय की पद्धति है, न्याय की पद्धति से निरूपण है। तो न्याय के लिए न्याय शास्त्र की भी आवश्यकता है, इसलिए द्रव्यानियोग में न्याय शास्त्र भी है, क्योंकि द्रव्यानियोग की शैली पूरी न्याय की होती है, क्योंकि उसमें युक्ति से लॉजिक से चीज गले में बिठा, जीव चीज जो है जीव के चित्त में उतारनी होती, गले उतारनी होती कोई बात नहीं। मैंने ऐसा नहीं है जैसे प्रथमा नियम में हमको गले नहीं उतारनी, प्रथमा नियम में तो कहानी है क्या गले उतारे, हमारे पास कोई युक्ति नहीं है, उदाहरण नहीं है, तर्क नहीं है इतने। लेकिन भेद विज्ञान करने में हमारे को गले उतारनी, भेद का विज्ञान कराना है, आत्मा भिन्न है ऐसी उसको अनुभूति में आना चाहिए। तो अनुभूति में कब आएगा? जब उसको तर्क युक्ति देके उसके बाद गले उतारी जाएगी। इसलिए इसमें अनेक तर्क देके युक्ति देके उदाहरण देके बराबर उसको चीज को न्याय से सिद्ध किया जाता है। तो तर्क युक्ति से न्याय से सिद्ध करेंगे ना तो न्याय की भी जरूरत पड़ेगी फिर। तो न्याय के ग्रंथों का भी वर्णन, न्याय का भी वर्णन कर देंगे थोड़ा थोड़ा, भाई क्या चीज सही है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है, तर्कों के भी बहुत भेद कर देंगे, क्योंकि तर्क अपने अपने सब देते हैं। तो कौन सा तर्क बिल्कुल वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा लॉजिकल लेजिटिमेट है, कौन सा इललेजिटिमेट है, इसका वर्णन करेगा। मतलब न्याय भी सिखाएगा वो, और फिर न्याय को अप्लाई करना ये भी सिखाएगा। और न्याय किसमें लगाना है? अपनी वस्तु में, अपने आप को परद्रव्यों से भिन्न करने में न्याय का उपयोग करना है, भेद विज्ञान करने की। अपनी चैतन्य ज्योति जो अनादिकाल से आज तक अपने को जिसका ज्ञान नहीं है, उस चैतन्य ज्योति का ज्ञान करना, पर से भिन्न अपने आत्म तत्व का ज्ञान करना, ये इसका इसमें मुख्य प्रयोजन है द्रव्यानियोग। इसका नाम ही द्रव्यानियोग, द्रव्य का निरूपण होगा। ठीक है ना, तो ये चार की परिभाषा बता दो फिर छोड़ देंगे अपन आज। ऐसे भी बाकी सब लोग तो दिवाली बन ही रहे, अपने फ्री है।